हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। दिस चैनल इज स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग आस्था IAS का BPSC का टेस्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आस्था IAS का जो टेस्ट 2 है उसमें सभी क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जो एक पेड ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ पे करके आप उसमें जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। वहाँ आपको परफेक्शन IAS और दृष्टि और आस्था के सभी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे PDF मिलेंगे, सारे आंसर के एक्सप्लेनेशन के PDF मिलेंगे। ठीक है, और भी जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हैं उनके भी PDF मिलेंगे। यानी जो 30 टेस्ट सीरीज है वो केवल परफेक्शन, दृष्टि और आस्था का होगा। ठीक है, और दोनों बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पर 6299451045। फर्दर डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये बायलिंगुअल है तो ये हिंदी मीडियम का है, पर आज मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम का टेस्ट ही डिस्कस करता हूँ, बिकॉज सिविल सर्विसेज का अड्डा जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में YouTube में ऐसे चैनल हैं, काफ़ी कम अमाउंट में, जो किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन हैज़ बीन फॉर्म्ड एट। ठीक है, तो सूती का कपड़ा कहाँ पाया गया है, लोथल में, रंगपुर में, मोहनजोदारो में या चन्नूदारो में। ठीक है, ये मोहनजोदारो में मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऋग्वेद पीरियड इज कॉल्ड कृता युग। ठीक है, किसमें ऋग्वेद पीरियड को कृता युग कहा गया है, तो ये है हमारा पुराण में ऐसा कहा गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं एक्सप्लेनेशन जहाँ हो पाएगा, मतलब जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। ठीक है, और दूसरी बात, आस्था IAS का टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट सीरीज में मिनिमम 7 to 8 ठीक है क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं, तो मैंने इसको खुद चेकआउट करके अच्छे से इसको मैंसिंग करके करेक्ट करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ताकि फर्दर कोई भी दिक्कत आपको आंसर की में नहीं आए। ठीक है, बिकॉज आप लोग YouTube में देखते हो, अगर इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर आपका देखने का क्या मतलब है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हो। ठीक है, फिलहाल नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर यू, अकॉर्डिंग टू द महाभारत ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द किंगडम ऑफ ययाति द फादर ऑफ पुरु। ठीक है, तो महाभारत के अनुसार किस रिवर के बैंक में ययाति का किंगडम था, ठीक है, जो पुरु के फादर थे। ठीक है, तो ये हमारा होगा सरस्वती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नाउ विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नंदवंश पीरियड। आप सभी को पता होगा नंदवंश का जो पीरियड है वो शिशुनाग पीरियड के बाद आया था। ठीक है, और महापद्म नंद ने शिशुनाग के जो शासक थे कालाशोक, जिसको काकवरण भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी, ठीक है, तो उसको मारकर महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है, आइए स्टेटमेंट को देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है, महापद्म इंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी, तो ये बात सही है, मैंने अभी बोला है आपको। सेकेंड क्या है, अकॉर्डिंग टू क्यूरिटी कर्टियस महापद्म वाज अ सन ऑफ बारबर। ठीक है, ये सही बात है, महापद्म जो थे वो एक नाई के पुत्र थे। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, कालाशोक और काकवर्ण वाज किल्ड बाय महापद्म, ये भी मैंने अभी बताया है, तो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो दिया हुआ है नहीं 1, 2, 3 का, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ कालाशोक। मैंने अभी भी बताया था कि कालाशोक के रेन में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, लेकिन बोल रहा है कि कालाशोक जब मतलब उसकी ताजपोशी हुई थी, तो कितने साल के बाद उस बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था सेकेंड वाला, तो ये 10 साल के बाद हुआ था। ठीक है, जब वो पदवी पर बैठा था, जब वो सिंहासन पर बैठा था ना, तो 10 साल जब हो गया उसका बैठा हुआ, शासन किया हुआ, तो उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिक्स क्या है, आफ्टर हुज डेथ हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर प्रशासन करना स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नाउ
सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट वाज डन टू कॉमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ सिकंदर ओवर पुरु। ठीक है, तो जब सिकंदर ने पुरु के ऊपर जीत दर्ज कर ली, विक्ट्री दर्ज कर ली, तो उसने क्या किया था? तो उसने क्वाइन रिलीज किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ सिद्धार्थ मेडिटेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना एट ए प्लेस कोल्ड। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो है, ठीक है, इनको निरंजना नदी के किनारे मतलब ध्यानमग्न हुए थे, इनके ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा बोधगया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नाउ किसी किसी को उरुवेला में भी कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो देखिए उरुवेला बोधगया के नज़दीक एक स्थान है। ठीक है, लेकिन निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बोलते हैं और ये बोधगया के बगल में है। नाउ बाय व्हाट नेम्स डज मेगास्थनीज मेंशन द वर्शिप ऑफ शिवा। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है ये शिव की पूजा करता था। शिव की पूजा को किस नाम से बोलता था? डायनोसियस के नाम से ना। ठीक है, नाइन का बी हो जाएगा। चलिए टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच पीरियड फॉरेनर्स वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ वात्य क्षत्रिय। ठीक है, तो किस पीरियड में विदेशी यात्रियों को वात्य क्षत्रिय कहा जाता था? ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ इलेवंथ क्वेश्चन फॉर यू, विच इंडिपेंडेंट स्टाइल्स डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उस टाइम बुद्ध के स्टोरी को, बुद्ध की जातक कथाओं को प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है, चारों तरफ फैलाने के लिए, ठीक है, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए बहुत सारे आर्ट स्टाइल्स डेवलप हुए थे। ठीक है, जिसमें गंधार आर्ट भी था, मथुरा आर्ट भी था और अमरावती आर्ट भी था। ठीक है, तीनों एक ही टाइम इंडिया के तीन डिफरेंट जगहों पर डेवलप हुए थे। गंधार आर्ट आपको पेशावर पाकिस्तान की तरफ मिल जाएगा, अमरावती महाराष्ट्र तरफ, और मथुरा जो है ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तीनों आर्ट डेवलप हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आपको ये भी याद करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि कनिष्क ने स्पेशली मोटिवेट किया था गंधार आर्ट को। ठीक है, चलिए नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन फॉर यू, फॉर विच डायनेस्टी इज द वर्ड सालिवाहना यूज इन लिटरेचर। ठीक है, किस वंश के लिए सालिवाहना वर्ड यूज हुआ है? तो वो यूज हुआ है हमारा सातवाहना वंश के लिए, आंध्र सातवाहना वंश के लिए ये यूज हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ कि आंध्र सातवाहना वंश का संस्थापक कौन था? हु इज द फाउंडर? ठीक है, तो नेम इज सिमुक। ठीक है, सिमुक इज द फाउंडर ऑफ द आंध्र सातवाहना। नाउ ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। 13 देखते हैं, वेन डिड फायान रिटर्न होम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि कब आया था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कब गया था, तो भैया 414 एडी में वो चला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ विच सोर्स ऑफ कुमारगुप्त सजेस्ट दैट ही परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। ठीक है, कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे पता चलता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो वो हमारा क्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द सन ऑफ गवर्नर पर्णदाता ऑन द बैंक ऑफ सुदर्शन लेक। ठीक है, तो सुदर्शन लेक के तट पर, ठीक है, पर्णदाता गवर्नर के बेटे के द्वारा कौन सा टेम्पल बनाया गया था जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, बताया गया है? ठीक है, तो ये हमारा विष्णु टेम्पल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नाउ 16th का, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फ्लोविंग। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन द हूंस आर कॉल्ड मेलचा। एकदम सही बात है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हूंस को मेलचा कहा गया है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती कम्स फ्रॉम द एरन इंस्क्रिप्शन। ये कितना बार क्वेश्चन में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। सभी को पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में महायान मतलब बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी। ठीक है, डी क्या है, स्कंद गुप्ता एज्यूम द टाइटल ऑफ सक्रादित्य। ठीक है, तो स्कंद गुप्त जो था वो सक्रादित्य का टाइटल एज्यूम किया था। चारों को चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉल्स बताओ। तो भैया फॉल्स तो है ही नहीं, तो नन ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नाउ 17, हु अमंग द फ्लोविंग इज नॉन एज द नीरो ऑफ काश्मीर। तो नीरो ऑफ काश्मीर हम लोग हर्षा को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ 18th क्वेश्चन, हु फर्स्ट प्रोपेगेटेड द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो थॉमस ने प्रोपेगेट किया था पहली बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ 19th क्वेश्चन फॉर यू,
हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री का थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था सभी को पता होगा, गूगल करोगे तो यूक्लिड मिलेगा, ठीक है, EUCLID यूक्लिड मिलेगा, ठीक है। यूक्लिड इज नॉन इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। आर्बिटर ने हेलोसेंट्रिक थ्योरी दिया था जिसके अनुसार सन के चारों तरफ प्लेनेट सभी मूव करते हैं। बोधायन जो थे इसने पाइथागोरस थ्योरम दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आस्था इसने ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए, वो इनकरेक्ट होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या 20 का, काला शोक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, ठीक है। तो काला शोक आप सभी को पता होगा शिशुनाग डायनेस्टी का ये रूलर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ हु कंपोज द एहोल इंस्क्रिप्शन, तो एहोल इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज किया था, तो एहोल इंस्क्रिप्शन ने रविकीर्ति ने इसको कंपोज किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ 22 दशावतार टेम्पल ऑफ देवघर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, सभी को पता होगा दशावतार टेम्पल कहाँ पर है। दशावतार टेम्पल जो है ये हमारा यूपी का झांसी के अंदर आता है, ठीक है, और ये विष्णु मंदिर है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैष्णवीज में, ठीक है। नाउ 23 क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डज द वर्ड जैन मीन, ठीक है। जैन का मतलब क्या होता है, जैन का मतलब होता है विजेता, द विनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ 24 क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज द प्रोसीडिंग्स ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट सभा वेयर कंडक्टेड, ठीक है, ये संस्कृत में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नाउ व्हाट वाज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द मौर्या, तो मौर्या का जो ऑफिशियल करेंसी था पन था, ठीक है, PAN पन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ अजात शत्रु हैड कंक्यूड वज्जी संघ बाय होज एस्टेब्लिशमेंट, तो किसको एस्टेब्लिश करके अजात शत्रु ने वज्जी संघ को जीता था, ठीक है, तो ये हमारा वस्साकर, ठीक है, वस्साकर को एस्टेब्लिश करके अजात शत्रु ने ऐसा कर पाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ 27 फॉर यू, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कैलकोलिथिक सेटलमेंट इनाम गाँव लोकेटेड, ठीक है, तो कहाँ पर किस स्टेट में इनाम गाँव लोकेटेड है, और इनाम गाँव क्या है, एक कैलकोलिथिक सेटलमेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। नाउ 28 इन विच बीसी डिड पीपल फर्स्ट स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वेट एंड बार्ली इन मेहरगढ़, तो ये हो जाएगा अबाउट 6000 बीसी इन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, सॉरी। 29 क्वेश्चन फॉर यू, इन विच वेद द वर्ड सप्त सेंधव हैज बीन यूज फॉर द आर्यन अवॉर्ड, ठीक है, तो किस वेद में ऐसा यूज किया गया है, ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसा यूज किया गया है, आर्यन को सप्त सेंधव बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर गंडक, सभी को पता होगा सदा नीरा कहते हैं, ठीक है, सदा नीरा कहते हैं गंडक को, ठीक है, वैदिक नेम है इसका। 30 का बी। 31 फ्रॉम होम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अजात शत्रु विक्ट्री ओवर वज्जी संघ टेकन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन क्या होगा, देखिए अजात शत्रु का जो विक्ट्री था ना वज्जी संघ के ऊपर, ये हमको दीर्घ निकाय से मिलता है। अब दीर्घ निकाय क्या है, ठीक है, दीर्घ निकाय जो है ये हमारा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ 32 एट व्हाट एज डिड महात्मा बुद्धा डाई, तो महात्मा बुद्धा जो डाई हुए थे वो 80 साल की उम्र पे हुए थे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नाउ वेयर वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी संघ, तो वज्जी संघ का कैपिटल कहाँ था जी, वैशाली था, ठीक है, वी से वज्जी, वी से वैशाली, ठीक है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कॉलेक्ट करके याद कर सकते हो। 33 का डी हो जाएगा। नाउ 34 फ्रॉम वेयर डिड द हरप्पन्स ऑप्टेन मैरिन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो हरप्पा के जो लोग थे वो मैरिन प्रोडक्ट्स कहाँ से ऑप्टेन करते थे, ये खतरी से ऑप्टेन करते थे, ठीक है, खतरी, ऑप्शन नंबर ए। नाउ इन विच ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन डिड अशोका इम्फेसाइज द ग्रोथ ऑफ धम्मा, ठीक है, तो किस इंस्क्रिप्शन में अशोका ने धम्म के उदय पर, धम्म के ग्रोथ पर मतलब इम्फेसाइज किया था, ठीक है, तो 12th इंस्क्रिप्शन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ हु इज कॉल्ड द रूलर हु नेवर सेट ऑन द थ्रोन, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा राम कभी भी मतलब इनकी ताजपोशी नहीं हुई थी, ठीक है, ये पदवी में कभी नहीं, सिंहासन में कभी नहीं बैठे थे, हमेशा मुगल के डर से भागते रहते थे राजा राम। नाउ जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर, शाहजहां के टाइम आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ मलिक काफूर इन्वेजन, तो जब मलिक काफूर मतलब आक्रमण किए थे, ठीक है, देवगिरी में, तो देवगिरी का शासक कौन था, ये रामचंद्र देव थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ किताबुल यामिनी, यहाँ पर मैचिंग करना है हम लोग को, किताबुल यामिनी
जो है उत्वी ने लिखा है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम आया था, देवराय द्वितीय के टाइम आया था। अरब कंक्विस्ट ऑफ सिंध, ये चचनामा में मिलता है जानकारी। प्रिंस ऑफ मेडिवल ट्रेवलर्स, ये मार्को पोलो को बोलते थे, ठीक है। अगर सबको मैच करोगे ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा आपका। नाउ इन विच ऑफ दिस कैंपेन्स डिड द बुद्धिस्ट मॉन्क एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक विदाउट फाइटिंग, ठीक है। तो किस कैंपेन में ऐसा हुआ था कि बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक का अधीनता स्वीकार कर लिए थे बिना लड़े हुए, ठीक है। तो ये हमारा नेरून कैंपेन था, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन हिस्ट्री द टाइम ऑफ द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1206 AD टू 1290 AD, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ अगर कोई हरवाड़ी में इसको टिक करे ना तो सेलेब डायनेस्टी को टिक करके चल जाएगा। उसका फिर कन्फ्यूज जाएगा, करिए मामलुक डायनेस्टी तो सेलेब डायनेस्टी को ही बोलते थे। तो भैया मामलुक डायनेस्टी सेलेब डायनेस्टी को इसलिए बोलते थे कि जो सेलेब की जो मतलब शासक थे वो कभी भी मतलब गिफ्ट के रूप में शासन नहीं किए, उन्होंने लड़ा अपनी 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 जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद, ठीक है, वो सिंहासन पर आए, ठीक है। तो इसलिए उनको मामलुक कहा जाता था, ठीक है। इलवड़ी डायनेस्टी भी इन्हीं को कहा जाता था कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और स्लेव का हिंदी क्या होता है, दास होता है, ठीक है, दास डायनेस्टी। तो सभी सेम है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ विच ऑफ दिस रूलर्स नेवर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो सुल्तान का टाइटल कभी भी एज्यूम नहीं किया, वो कौन था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी। नाउ हाउ मेनी रूलर्स रूल्ड अंडर खिलजी डायनेस्टी, तो टोटल 5 रूलर्स थे, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के अंदर। और जिसने फाउंड किया था खिलजी डायनेस्टी को उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। नाउ ऑप्शन 44 व्हेन डिड शेर शाह सूरी सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो 1540 में AD 1540 AD में शेर शाह सूरी ने दिल्ली के थ्रोन पर मतलब कब्जा किया था, ठीक है। ये कन्नौज या बिलग्राम जो युद्ध था जो 1540 में हुमायूं के साथ हुआ था, तो हुमायूं को हरा के उसने ऐसा किया था। नाउ 45 क्वेश्चन फॉर यू। अब्दुल रज्जाक केम टू विजयनगर, सभी को पता होगा, मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया था कि अब्दुल रज्जाक जो था वो देवराय द्वितीय के टाइम आया था। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ द देवराय द्वितीय होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ 46 द फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस वाज, ठीक है। तो किसने सब्सिडरी अलायंस को फर्स्ट एक्सेप्ट किया था, वो था निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ फेमस जर्नलिस्ट मीर सैयद अली सिराजी एंड ख्वाजा अब्दुल सैयद आर रिलेटेड टू विच मुगल रूलर, ठीक है। कि ये जो थे ये दोनों ये हुमायूं से रिलेटेड थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ द इवेंट्स ऑफ विच रूलर टाइम आर मेंशन इन किताब उल रहला, ठीक है। किताब उल रहला को किसने लिखा था जी, इब्न बतूता ने लिखा था, ठीक है। और इब्न बतूता किसके टाइम आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ 49 अंडर हुज लीडरशिप डिड द मंगोल्स अटैक ट्रांसोक्साइना, ठीक है। ट्रांसोक्साइना पर अटैक किस मंगोल शासक की लीडरशिप पर हुआ था, तो वो था चंगेज खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू, तो दीवान ए अर्ज डिपार्टमेंट जो था इसको बलवन ने एस्टेब्लिश किया था और ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नाउ 51 हाउ मेनी पार्ट्स डिड अब्दुल फजल राइट द अकबरनामा, तो अब्दुल सभी को पता होगा कि अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है, लेकिन कितने पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ बाय व्हाट नेम इज द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ शेर शाह फैमिली नाम, यानी शेर शाह फैमिली का जो रेजिडेंस था उसको किस नाम से बोलते थे, तो वो जो नाम था वो था केवन सिकोट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नाउ अलवर एंड नैनार, ठीक है, नैनार वेयर भक्ति सेंट्स फ्रॉम वेयर, तो ये जो अलवर और नैनार जो है ना ये साउथ इंडिया से थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 54 क्वेश्चन फॉर यू, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मोनोइज्म, शंकराचार्य, ठीक है। अद्वैतवाद का थ्योरी किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने दिया था, उसी को मोनोइज्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ हुज डिसिपल डिड मीराबाई बिकेम, तो मीराबाई जो है किसकी शिष्या बनी थी, तो ये रैदास की बनी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ हुज टॉम्ब इज नेक्स्ट टू मनेरी साहिब टॉम्ब, ठीक है, तो मनेरी साहिब टॉम्ब के बगल में किसका टॉम्ब था, तो उनकी मदर का था। देखिए ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में आने की संभावना नहीं है कि किसके टॉम्ब के बोलें किसका टॉम्ब था, लेकिन फिर भी पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंगिंग स्टाइल्स वर प्रिवेलेंट इन द सल्तनत पीरियड, तो 2 टाइप का स्टाइल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ हु एस्टैब्लिश द ऑटोनोमस स्टेट इन बंगाल, ठीक है, तो ऑटोनोमस स्टेट इन बंगाल किसने इस्टेब्लिश किया था, तो मुर्शिद कुली खान इस्टेब्लिश किया था और 1717 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, सभी को पता होगा, मैंने अभी बताया भी था कि खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था फिरोज खिलजी, और उसको जो टाइटल मिला था उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी में कन्फ्यूजन है, क्योंकि बी में क्या है फिरोज खिलजी है और डी में क्या है जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिरोज खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों में कन्फ्यूजन, क्योंकि दोनों का नाम पूरा जोड़ोगे तो जो रियल नाम होता है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आता है, और इसलिए दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। किन्हीं को कन्फ्यूजन हो तो भैया आप सोचो खुद से कि खिलजी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखो बी और डी दोनों ऑप्शन में मतलब आधा आधा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ 60, विच रूलर कॉल्ड हिमसेल्फ रैयत ए आला, ठीक है। तो रैयत ए आला कौन अपने आप को कहता था, तो खिजर खां ऐसा कहता था, ठीक है, खिजर खां, ऑप्शन नंबर सी। नाउ फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड औरंगजेब कीप शाहजहाँ इन कैप्टिविटी, तो 8 साल तक रखा था, ठीक है, औरंगजेब ने, और शाहजहाँ को जहाँ कैद करके रखा था वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी और उस खिड़की से केवल ताज दिखता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मामलुक डायनेस्टी, तो मामलुक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो केकोबाद था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ 63, हु गॉट द क्रेडिट फॉर एक्चुअली एस्टेब्लिशिंग द ओटोमान स्टेट इन इंडिया, तो किसको जाएगा क्रेडिट कि वास्तविक संस्थापक कौन था ओटोमान स्टेट इन इंडिया का, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो वो था इल्तुतमिस, आपने सभी पढ़ा होगा क्या बोलते हैं सिलेब डायनेस्टी के बारे में, तो आपको वहाँ जानकारी हुई होगी कि सिलेब डायनेस्टी का जो एक्चुअली मतलब इस्टेब्लिश जिस जो किया था वो था इल्तुतमिस, ठीक है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिस को बोलते थे, ठीक है। नाउ 65th क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रूलर्स ऑफ द लोदी डायनेस्टी गिवन इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या था, तो पहले बहलोल लोदी थे, उसका सिकंदर लोदी आया, उसका इब्राहिम लोदी आया, ठीक है। तो जो सीक्वेंस होगा वो हमारा 1, 2, 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नाउ हरियर एंड बुक का बिलोंग टू द काकतीय ऑफ वारंगल, ठीक है। तो अभी आपको सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में काकतीय वंश से रिलेटेड एक मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल, ठीक है। तो काकतीय वारंगल से जो हरियर बुक्का जुड़े हुए थे तो वो क्या थे, उसमें किस पद पर थे, तो ये सामंत थे, ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूडल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ ऑन विच रिवर डिड देवराय फर्स्ट बिल्ड डैम फॉर इरीगेशन वर्क, ठीक है। तो किस नदी पर बिल्ड किया था, तो भैया हरियर नदी पर भी बिल्ड किया था और तुंगभद्रा नदी पर भी बिल्ड किया था, ठीक है। तो हरियर को हरिद्रा बोलते थे और तुंगभद्रा तो तुंगभद्रा है ही, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नाउ हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द अष्टछाप, तो वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द अष्टछाप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ आफ्टर विनिंग विच वार बाबर रिज्यूम द टाइटल ऑफ द गाजी, ठीक है। तो आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा बाबर रिज्यूम द टाइटल ऑफ द गाजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नेम्ड अस्थ प्रधान वाज, तो सभी को पता होगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेम्ड अस्थ प्रधान वाज इन द शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के दरबार में ऐसा था, ठीक है। तो ये शिवाजी किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, ठीक है, इनका मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ व्हाट टाइप ऑफ लैंड सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो यहाँ पर किस टाइप का लैंड सिस्टम एडॉप्ट किया गया था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नाउ 71, व्हेन वाज जदुनांग सेंटेंस टू डेथ बाय द ब्रिटिश, तो 1929 को जदनांग को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 72, हु गेव द नेम कैलिको टू कॉटन फैब्रिक्स, तो किसने कॉटन फैब्रिक्स को कैलिको नाम दिया था, वो था पुर्तगीज, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में केवल टू है, डी हो जाएगा। नाउ ड्यू टू विच डिजीज बिरसा मुंडा डायड इन रांची, कोलेरा से इनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ विच ओमैन इज फाउंड एट द टाइम ऑफ द मुंडा रिबेलियन, ठीक है, तो मुंडा रिबेलियन के टाइम किस ओमैन को पाया गया था, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ होगा हमारा यहाँ पर साली, ठीक है, साली, ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं थोड़ा सा इसमें थोड़ा अल्टर टाइप का लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही अल्टर टाइप का लग रहा है मुझे, और ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला भी है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना एकदम रेयर है, जिनके आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, लगता ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने भी वाले हैं, लेकिन फिर भी 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे ही, ठीक है, बस नाम है। 75, आफ्टर द डिफीट ऑफ विच वार सुजाउद्दौला
एंड सालम साइन एन एग्रीमेंट विथ क्लाइव इन 1755 AD। ठीक है, देखिए भैया यहाँ पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1755 नहीं होगा 1765 होगा। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, तो सुजाउद्दौला ने बक्सर का युद्ध के हार के बाद, ठीक है, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने साइन किया था एग्रीमेंट क्लाइव के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, क्योंकि बक्सर का जो बैटल हुआ था वो 1764 में हुआ था और जो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो हुआ था, ठीक है, वो 1765 में हुआ था। ठीक है, नाउ 76 द बुक मझा प्रवास इज रिलेटेड टू, तो जो मझा प्रवास जो बुक है ना ये किससे रिलेटेड है, ये रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ वेयर डिड द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर डाइड, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर कहाँ पर डाइड हुआ था, ये रंगून में डाई हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1862 में। नाउ हु फाउंडेड द बहुजन समाज, तो बहुजन समाज को जो फाउंड किया था वो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने किया था, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द राजा राम मोहन राय हु मेड अ लॉ टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है, तो सती की प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने एक कानून बनाया था, तो वो थे हमारे बेंटिक साहब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ एडुकेशन बींग गिवन इन इंग्लिश मैक्स इंडियंस हैंडीकैप्ड एंड हैज मेट देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ऑन लैंड, हुज स्टेटमेंट इज दिस, तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, हु इज नॉन एज द श्री नारायण गुरु, तो श्री नारायण गुरु किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है हमारा नानू असान को। ठीक है, नानू असान को श्री नारायण गुरु कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ हु फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो बी आर अम्बेडकर ने 1924 को बहिष्कृत हितकर्णी सभा फाउंड किया था, ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नाउ हु वॉज लीडिंग जस्टिस पार्टी इन 1937, तो पेरियार साहब लीड कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नाउ प्रार्थना समाज वॉज फॉर्म्ड इन, तो प्रार्थना समाज जो फॉर्म्ड हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था और वेस्टर्न इंडिया में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र। नाउ केशव चंद्र सेन इज रिलेटेड टू, तो केशव चंद्र सेन जो थे ये रिलेटेड थे नेटिव मैरिज एक्ट से, ठीक है, इन्हीं का प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ अंडर हुज चेयरमैनशिप द स्त्री जरतोस्ती मंडल वाज रन, ठीक है, तो किस चेयरमैनशिप के अंदर स्त्री जरतोस्ती मंडल रन करता था, तो ये जो हमारे एमजी रनाडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी इसका होगा सेरेन माई एम कुर्सेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ व्हेन वाज डोरी डिक्लेयर्ड इलीगल, तो डोरी को इलीगल कब डिक्लेयर किया गया, ठीक है, तो 1870 में डोरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, नाउ 88 क्वेश्चन फॉर यू, व्हेन वाज इन्फेंट किलिंग डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है, तो इन्फेंट किलिंग को इलीगल कब डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 1820, 1870, 1920, 1970। ठीक है, तो 87 का जो होगा हम लोग का वो का जो डॉरी है ना, डॉरी डिक्लेयर कब हुआ था, 1861 में हुआ था। ठीक है, बी हो जाएगा, और 88 का जो होगा वो 1870 होगा। ठीक है, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था इसलिए, तो 1861 में डोरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और 1870 को इन्फेंट किलिंग डिक्लेयर इलीगल कर दिया गया। ठीक है, नाउ व्हेन वाज भागलपुर मेड अ डिस्ट्रिक्ट, तो 1774 को भागलपुर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ व्हेन वाज मधुबनी पेंटिंग इंस्टॉल्ड इन द आर्ट गैलरी ऑफ लंदन, ठीक है, तो लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग को कब इंस्टॉल किया गया था, तो ये जो इंस्टॉल किया गया था ये हमारा सी हो जाएगा 1942 AD को। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर्स सपोर्टेड द मोपला रिवेलियन, ठीक है, इनमें से किस लीडर ने मोपला रिवेलियन को सपोर्ट किया था, वो शौकत अली होगा, गांधी जी होगा, मौलाना आज़ाद होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सी डी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा हमारा। 92 इन विच कॉलेज वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो सभी को पता होगा कि गोकुलदास कॉलेज में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ 93 व्हेन वाज खुदीराम बोस हैंग्ड, तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को हैंग किया गया था मुजफ्फरपुर कांड के आरोप में। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था, तो ये 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। नाउ व्हेन डिड गांधी जी डिसाइड टू सेलिब्रेट नेशनल ह्यूमिलिएशन डे, ठीक है, तो 1919 को उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेशनल ह्यूमिलिएशन डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नाउ
ड्यूरिंग विच मोमेंट डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। सभी को पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग मासेकर के टाइम, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी दुखी हो गए, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नाउ हाउ डिड, ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द झंडा सत्याग्रह मूवमेंट लास्ट। झंडा सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो 109 दिन चला था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नाउ चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोविंग्स, ठीक है, यहाँ जितने भी स्टेटमेंट है ना, ठीक है, ये सभी सही हैं, ठीक है, आप इसको पॉज करके रीड कर लो, सभी स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। नाउ द न्यूज़पेपर्स द मदरलैंड इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिलेटेड था, ठीक है, और मदरलैंड के जो संपादक थे वो मजहरुल हक थे, ठीक है, और ये सदाकत आश्रम से इसको पटना से मतलब रिलीज करते थे, ठीक है। नाउ हु टेस्टिफाइड द अगेंस्ट भगत सिंह, तब भगत सिंह के अंदर किसने भाषण मतलब ये गवाह दिया था, ठीक है, ये फणीन्द्रनाथ घोष थे और इन्हीं के कारण इनकी हत्या भी कर दी गई थी, ठीक है, तो भगत सिंह के विरुद्ध जो गवाह दिया था वो फणीन्द्रनाथ घोष थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ 100 क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ऑन 26 जनवरी 1930, ठीक है, तो ये रावी नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 100 का। नाउ एट विच प्लेस डिड द ट्राइबल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, तो किस प्लेस पर ट्राइबल्स रिवोल्ट जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावार, आस्था ये इसने इसका आंसर दिया है सिंध, ठीक है, तो मुझे डाउट है इसमें, ठीक है, तो आप देख लेना, तो 101 का सिंध दिया हुआ है इसे, ठीक है। नाउ 102, ऑन विच रिवर बैंक वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्टेड इन बंगाल, ठीक है, तो किस रिवर के बैंक पर फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्टार्ट हुआ था बंगाल में, तो ये हुगली नदी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नाउ डोमिनियन स्टेटस इज रिलेटेड टू, तो डोमिनियन स्टेटस जो था ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को आया था और उसमें मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था कि भैया तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो वही काफ़ी है हमारे लिए, जिसका विरोध बहुत नेताओं ने किया था जो कांग्रेस के भी सदस्य थे, ठीक है, तो 103 का डी सी हो जाएगा। नाउ हाउ मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स डिड गांधी स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी बीच, ठीक है, तो कितने फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट किया था जी, 78 फॉलोअर्स थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। व्हेन डिड गांधी जी रीच डांडी, तो गांधी जी डांडी कब पहुंचे थे, डांडी 6 अप्रैल को पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ हु फाउंडेड द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार, सभी को पता होगा कि खुदाई खिदमतगार जो ऑर्गेनाइजेशन था इसको फाउंड किया था अशफाकुल्ला खान ने, और अशफाकुल्ला खान का ही अदर नाम था बादशाह खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हु लेड द एंटी चौकीदार टैक्स मूवमेंट इन सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो एंटी चौकीदार टैक्स मूवमेंट किसने लेड किया था सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, तो वो गंगा प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ ड्यूरिंग विच सेशन डिड राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट गांधी जी टू कम टू चंपारण, ये था हमारा लखनऊ सेशन 1916 में, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी से कि आप आइए चंपारण। नाउ इन विच स्टेट डिड द मॉडर्न मोपला रिवेलियन टेक प्लेस, सभी को पता होगा केरला होगा, केरला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज किसान सभा वाज नॉट फॉर्म्ड, तो बिहार में फॉर्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में फॉर्म हुआ था, बंगाल में फॉर्म हुआ था, लेकिन गुजरात में कोई भी किसान सभा फॉर्म नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा पर। नाउ एक 111, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इन 1883 AD, ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन का सेक्रेटरी कौन था, वो आनंद मोहन बोस थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा पर। नाउ ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ प्लेग द मीटिंग प्लेस ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन एट पूना वाज चेंज, तो कहाँ पर चेंज हो गया था, तो बम्बे फिर से लिया गया था, ठीक है, चेंज होकर बम्बे लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ वेयर वाज द स्लोगन रिटर्न टू बेदा गिवन, ठीक है, तो रिटर्न टू बेदा जो स्लोगन है ये कहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ये दिया गया था बॉम्बे में, अब किसके द्वारा दिया गया था जी, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ कांग्रेस, द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस जो था ये 22वां सेशन था, ठीक है, और ये चितरंजन दास ने इसको लीड किया था, प्रेसिडेंट बने थे चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास जो थे वो गया सेशन के प्रेसिडेंट बने थे,
चितरंजन दास हु फाउंडेड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, तो श्री केवी हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फाउंड किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ आफ्टर द एंड ऑफ विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज द वाइट पेपर रिलीज, ठीक है, तो ये हमारा होगा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वाइट पेपर रिलीज कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट इन अप्रैल 1939, ठीक है, तो किसने रिजाइन किया था, सभी को पता होगा त्रिपुरी सेशन जबलपुर 1939 में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ आई विल क्रिएट अ मूवमेंट बिगर देन द कांग्रेस फ्रॉम द सेंट ऑफ द कंट्री इट्सल्फ, गांधी जी हैड स्पोकन दिस स्टेटमेंट डूइंग विच मूवमेंट, ठीक है, तो क्यूट इंडिया मूवमेंट के टाइम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ व्हेन वाज द स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस, 1905 होगा आंसर, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, डी ऑप्शन। हु फॉर्म द वर्ड स्वराज, दादाभाई नौरोजी 1906 के कांग्रेस के सेशन में, ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने ऐसा कहा था। बी व्हेन वाज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का फर्स्ट डिवीजन कब फॉर्म किया था, तो 1942 को फॉर्म किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ 122 विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, तो यहाँ जितने भी स्टेटमेंट थे ना, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड थे ऑल इंडिया किसान सभा में, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कौन नहीं इंक्लूडेड था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। नाउ अंडर हुज लीडरशिप वाज द नामधारी मूवमेंट लॉन्च, ठीक है, नामधारी मूवमेंट जो रिलीज हुआ था ये राम सिंह कुका के लीडरशिप में हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नाउ व्हेन डिड बिरसा मुंडा डाई, बिरसा मुंडा जो डाए हुए थे वो जून 1900 में डाए हुए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नाउ वी वांट टू बी द क्वीन एंड ओनली क्वीन, ठीक है, रैयत, दिस स्लोगन वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग विच मूवमेंट और रिवोल्ट, ये पावना रिवेलियन के टाइम काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नाउ व्हेन डिड ईश्वर चंद्र गॉट द टाइटल ऑफ द विद्यासागर, तो किस टाइम ईश्वर चंद्र को विद्यासागर का टाइटल मिला था, तो देखिए 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था और ये 19 साल की उम्र में मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिए थे फिलोसफी और संस्कृत में, ठीक है, तो 1839 में इन्होंने ऐसा किया था, तो 1839 को इनको विद्यासागर का टाइटल मिला था, यहाँ कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि 19 साल के बाद ना मिला था जी, जन्म के 19 साल के बाद मिला था, ठीक है। नाउ व्हेन डिड द बैटल ऑफ शंकर खेड़ा टेक प्लेस, शंकर खेड़ा जो बैटल था वो कब हुआ था, ठीक है, तो ये हमारा 127 का हो जाएगा, 1724, ठीक है, 1724 AD, बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इज नॉट करेक्टली मैच, तो भैया यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट है ना, जितने भी सीक्वेंस है, सभी मैच है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पोज करके देख लो एक बार। नाउ हु अमंग द फ्लोइंग गेव द ब्रिटिश द लाइकनेस ऑफ बीज, ठीक है, किसने बोला था ब्रिटिश को कि एक मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी की संज्ञा किसने ब्रिटिश को दी थी, तो ये अलवर्दी खान ने ऐसा बोला था, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ठीक है, तो इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो भैया सभी मैच है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, पॉज करके देख लो एक बार। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग वायसराय गवर्नर जनरल गेव द राइट टू प्रॉपर्टी टू हिंदू वोमेन, ठीक है, तो किसने गवर्नर जनरल या वायसराय ने हिंदू वोमेन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया था, तो ये थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो साहेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नाउ 132 द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड उदय ऑफ मराठा शक्ति, ठीक है, कौन था, तो ये महादेव गोविंद रानाडे ने ये बुक लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। नाउ अंडर विच ऑफ दिस एक्ट्स वाज द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश इन कलकत्ता, सभी को पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और जो फर्स्ट जज थी उसका नाम था एलिजा इम्पे। नाउ अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट्स द लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो जो लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये चार्टर एक्ट 1833 के टाइम हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ ड्यूरिंग हुज वायसराय वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड, तो किस वायसराय के टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नाउ कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोस्ट, हु मेड दिस स्टेटमेंट, तो किसने ऐसा कहा था, तो ये जो कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पोस्ट के लिए भूखे हैं। नाउ व्हेन वाज द बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश, तो 1852 को बॉम्बे एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 137 का हमारा हो जाएगा ए। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, तो यहाँ जितने भी पेयर्स हैं उसमें 2 और 4 मैच नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। नाउ हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कैनिंग साहब थे, ठीक है, कैनिंग साहब थे गवर्नर जनरल इंडिया के।
और इन्होंने 1857 के टाइम हेडक्वार्टर किसको बनाया था, इलाहाबाद को बनाया था। नाउ इन बिहार व्हेन वाज इट फॉरबिडन टू पे चौकीदारी टैक्स, ठीक है, तो बिहार में कहाँ पर चौकीदारी टैक्स को पे करने के लिए मना कर दिया गया था, किस मूवमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नाउ 141 द पब्लिकेशन ऑफ द बिहार हेराल्ड वाज स्टार्टेड, तो ये हमारा 1875 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और किसने इसको स्टार्ट किया था, तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नाउ व्हेन वाज द बिहार यूथ एसोसिएशन एस्टेब्लिश, 1928 को ये एस्टेब्लिश हुआ था बिहार यूथ एसोसिएशन, ठीक है। नाउ व्हेन वाज स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश इन बिहार, 1923 एडी होगा, ठीक है, 1923 एडी को स्वराज पार्टी बिहार में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नाउ इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस राजकुमार शुक्ल मेट गांधी जी एंड इन्वाइटेड हिम टू कम टू चंपारण, ठीक है। तो ये जो था 1916 का सेशन था, लखनऊ में था, और ये 31st सेशन था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नाउ 145 द फाउंडर ऑफ बॉयज एसोसिएशन इन बिहार वाज, तो कौन था फाउंडर, ये सूर्यदेव नारायण वर्मा जो थे जिन्होंने 1809 को ये फाउंड किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर्स वाज मेनली अ प्रोपेगेटर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, ठीक है, तो कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो जाना जाता था प्रोपेगेटर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स के कारण, तो ये लीडर था, लीडर, ठीक है, लीडर न्यूज़पेपर था। नाउ हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द आत्मीय सभा, सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1815, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ सर माइकल ओडायर वाज शॉट इन लंदन ऑन 13 मई 1940, तो सर माइकल ओडायर को किसने टपका दिया था, तो ये ऊधम सिंह ने इसको मार दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो ये हमारे राम मोहन राय थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नवाखाली पीरियड, ठीक है, तो नवाखाली पीरियड के टाइम महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे, तो ये थे प्यारेलाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन हो गया कंप्लीट, आई होप आपने इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट टेस्ट सीरीज किसका चाहते हो, परफेक्शन का चाहते हो या आस्था का चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं वो टेस्ट सीरीज आपको नेक्स्ट टाइम यानी एक मतलब अल्टरनेट डे में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो सेशन हमारा समाप्त हो गया, किन्हीं को भी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 6299451045, ठीक है, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ये सारा टेस्ट सीरीज, ठीक है, आस्था इसका सारा टेस्ट सीरीज और परफेक्शन का सारा टेस्ट सीरीज, ठीक है, दृष्टि का सारा टेस्ट सीरीज और भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जो हैं उसका टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम में चाहिए, बायलिंगुअल में चाहिए, तो मतलब आपको मंगाना है प्रिंटेड फॉर्म में कुरियर के द्वारा, तो आप तब भी मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर कुरियर फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, धन्यवाद।